Hello everyone, welcome to the Logical Studies YouTube channel, your digital legal studio. And I am your friend advocate Lakshya Kumar Singh. Daily Hindu News Analysis series में आप सभी लोगों का स्वागत है. तो चलिए आज 19 नवंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को शुरू करते हैं. तो पहली जो न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलती है दैट इज फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट प्लेजेस टू क्लीन यमुना बाई 2025. और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस चीज़ की शपथ ली है वो 2025 तक यमुना को बिल्कुल क्लीन कर देंगे. सीएम प्रॉमिस टू टेक अ डिप इन रिवर बिफोर नेक्स्ट असेंबली पोल्स. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो खुद यमुना में अगले असेंबली पोल से पहले लोगों को एक डुबकी भी लगा कर दिखाएंगे. तो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट एक 6 पॉइंट एक्शन प्लान लेकर आई है. तो ये 6 पॉइंट एक्शन प्लान क्या है? द एक्शन प्लान इंक्लूड बिल्डिंग अ न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा. एंड रोलिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक श्योर दैट पोल्यूटेंट्स डू नॉट फ्लो इनटू द यमुना. और वो नई तकनीक को लेकर आएंगे जो ये श्योर करेगी कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो यमुना के वाटर में फ्लो ना करें, यमुना के वाटर में ना जाए. द चीफ मिनिस्टर सेड ऑल इंडस्ट्रियल वेस्ट विल बी डाइवर्टेड टू द कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटिंग प्लांट्स. और जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटिंग प्लांट्स बनाए जाएंगे उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा यमुना से हटाकर. एंड प्रॉमिस टू अ क्रैक डाउन ऑन इंडस्ट्रीज फॉर नॉट सेंडिंग इट्स वेस्ट टू द ट्रीटमेंट प्लांट्स. और वो ये भी कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज इसका वो करेंगी लाइक वायोलेशन करेंगी इस रूल का उनको पनिश भी किया जाएगा. तो एक बार इसकी समरी देख लीजिए. फॉर अ क्लीन फ्यूचर बिल्डिंग न्यू एसटीपीज इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ एक्जिस्टिंग एसटीपीज एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी इन सीटू ट्रीटमेंट ऑफ अ लार्ज ड्रेन ऑफ दिल्ली क्रैक डाउन ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर द डिफॉल्टर्स जेजे क्लस्टर विल बी गेट प्रॉपर सीवर कनेक्शन रिजल्टिंग ऑफ एंटायर सीवर नेटवर्क दिल्ली गवर्नमेंट टू कनेक्ट एवरी हाउस होल्ड टू द सीवर नेटवर्क. तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक अच्छी योजना है, देखें कितना काम करती है ग्रास रूट लेवल पर. अगली न्यूज की तरफ चलते हैं. इंडिया चाइना एग्री टू रिस्टार्ट टॉक्स बिटवीन बॉर्डर कमांडर्स. तो अब इंडिया चाइना जो है वो एग्री हो गए हैं किस चीज़ के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए एक डायलॉग बिटवीन द बॉर्डर कमांडर्स. तो इसमें क्या है, बेसिकली आफ्टर अ मंथ लॉन्ग फ्रीज ऑन डिस्कशन ऑन द डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो डिसएंगेजमेंट है उसके लिए इंडिया एंड चाइना डिप्लोमेट्स हैव डिसाइडेड टू रिकनवीन टॉक्स बिटवीन बॉर्डर कमांडर्स. और इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो तैयार हो गए हैं फाइनली कि बॉर्डर कमांडर्स के बीच में एक बातचीत होनी चाहिए और इस मसले का हल जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए. द डिसीजन वॉज मेड एट द 23rd मीटिंग. ये डिसीजन लिया गया है 23rd मीटिंग को. किसकी मीटिंग को? WMCC. अब ये WMCC क्या है? बिटवीन बॉर्डर कमांडर्स बेसिकली 23rd मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स लेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन बोथ साइड एंड कंप्राइजिंग डिप्लोमेटिक बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑफिसर्स. तो जो दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे और उनके साथ कौन कौन होगा, डिप्लोमेटिक बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे. इट वॉज एग्रीड दैट बोथ साइड शुड होल्ड द नेक्स्ट दैट इज 14 राउंड ऑफ सीनियर कमांडर्स मीटिंग एट एन अर्ली डेट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंप्लीट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम ऑल द फ्रिक्शन पॉइंट अलॉन्ग द LAC. तो दोनों ही मतलब ये डिसाइड किया गया है कि जल्दी से जल्दी ये मीटिंग होना चाहिए ताकि वो लोग डिसएंगेज करें, दोनों ही कंट्री डिसएंगेज करें अपने फ्रिक्शंस पॉइंट पर जहाँ पर ज़्यादा है उनका इशू रहता है लेकर. इसमें LAC भी इंक्लूडेड है. द वेस्टर्न सेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग बायलेटरल एग्रीमेंट्स एंड द प्रोटोकॉल्स सेट द स्टेटमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो बेसिकली इस न्यूज़ का क्रक्स ये है कि एक बॉर्डर कमांडर्स मीटिंग होने वाली है इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर कमांडर्स है उसके बीच में. उस मीटिंग्स में कौन कौन रहने वाला है? डिप्लोमेट्स रहने वाले हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स रहने वाले हैं, दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे. और जो इंडिया और चाइना के बीच में एंगेजमेंट पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शंस होता है उसको लेकर एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. अब ये कहती है मोदी कॉल्स फॉर द कॉशन ऑन क्रिप्टो करेंसीज. तो क्रिप्टो करेंसीज आप लोगों को पता है कि डिजिटल करेंसी है, बहुत दिनों से ये न्यूज़ में चल रही है. उसमें सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाने की भी कोशिश की थी, लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है. तो यहाँ पर मोदी कहाँ थे जहाँ मोदी ने ये बात कही है? तो ये एक सिडनी डायलॉग निकल कर आ रहा है. अभी पढ़ेंगे कि हम सिडनी डायलॉग क्या होता है. तो मोदी जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो बेसिकली है दे मस्ट नॉट रीच रॉन्ग हैंड्स, मतलब इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए. तो पढ़ते हैं न्यूज़ में. सबसे पहली जो लाइंस लिखी हुई है वो थोड़ी खूबसूरत है. वेस्टेड इंटरेस्ट शुड नॉट मिसयूज डेमोक्रेसीज ओपननेस. तो लोकतंत्र के बारे में यहाँ एक बात है कि डेमोक्रेसी की जो ओपननेस है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट, कि लोग अपने स्वार्थ के लिए डेमोक्रेसी की ओपननेस को मिसयूज करें.
बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी इज ओपननेस, जहां पर लोग अपने विचार रखते हैं, लोग अपनी बात कर सकते हैं, लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लाइक तभी तो एक लोकतंत्र बनता है। और लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र के अगर फायदे भी होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो उसके मिसयूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोदी जी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट, जो लोगों के निजी स्वार्थ हैं, वो डेमोक्रेसी की ओपननेस का मिसयूज ना करें। ही सेड द चेंज इन द डिजिटल डोमेन ऑफ इंडिया वॉज पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट्स एंड सेड इंडिया वॉज यूजिंग डिजिटल डाटा टू एम्पावरिंग पीपल। बेसिकली यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात हो रही है कि हम डिजिटल डिजिटली हम जो एक रिवॉल्यूशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, वो किस लिए है कि वो लोगों को एम्पावर करने के लिए है। बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस, बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, प्रिपेयरिंग फॉर 5G एंड 6G आर द 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन। तो यहाँ पर मिस्टर मोदी 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके बारे में मैं अभी इसी सीरीज में आपसे लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार एक सिडनी डायलॉग को देख लेते हैं कि सिडनी डायलॉग क्या कहता है, और जो मिस्टर मोदी ने 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस के पॉइंट्स बताए हैं रिलेटेड टू डिजिटल ट्रांजिशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। द सिडनी डायलॉग इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 17 टू 19 नवंबर ऑफ दिस मंथ, ये होने वाला है, चल रहा है अभी, 17 तारीख से चल रहा है, 17 से 19 तक। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली ये किसका इनिशिएटिव है, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का ये एक इनिशिएटिव है, सिडनी डायलॉग के नाम से इसको जानते हैं। इट विल ब्रिंग टुगेदर पॉलिटिकल बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर्स टू डिबेट, तो एक साथ लेकर, ये बेसिकली एक सिडनी डायलॉग में आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पर राजनीति से कुछ लोग आएंगे, बिजनेस की दुनिया से कुछ लोग आएंगे, गवर्नमेंट लीडर्स आएंगे, डिबेट करेंगे टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड वर्क टूवर्ड्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पोस्ड बाय द इमर्जिंग इन द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू इन्वेंशंस हैं, तो उनसे जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, उन सब के ऊपर एक बात होगी। द इवेंट विल ऑल्सो विटनेस द कीनोट एड्रेस बाय द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्कॉट मॉरिसन एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान मिस्टर शिंजो आबे, तो ये लोग भी इसमें बोलने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं सिडनी डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी लिस्ट 5 डिजिटल ट्रांजिशन शेपिंग इंडिया। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको प्लीज ध्यान से देखिए कि कौन से 5 डिजिटल ट्रांजिशन है जो इंडिया को आगे इंडिया के डेवलपमेंट में इंडिया की हेल्प कर रहे हैं, और जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हैं डिजिटली स्ट्रांग होने के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर मोदी ने कहा कि वी आर बिल्डिंग द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वर्ल्ड का सबसे एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। और 1.3 बिलियन इंडियंस हैव अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी, तो यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है 1.3 बिलियन इंडियंस की। वी आर ऑन आवर वे टू कनेक्टिंग 6 करोड़ विलेजेस विद ब्रॉडबैंड, तो हम लगभग 6 करोड़ गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने वाले हैं। वी हैव बिल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज UPI, तो सबसे एफिशिएंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, जिसको आप UPI के नाम से जानते हैं। इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस इंक्लूडिंग एम्पावरमेंट कनेक्टिविटी डिलीवरी ऑफ बेनिफिट एंड वेलफेयर। और थर्ड वन है, इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, विश्व का तीसरा और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम है हमारा। न्यू यूनिकॉर्न्स आर कमिंग अप एवरी फ्यू वीक टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एवरीथिंग फ्रॉम हेल्थ टू नेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ इसमें कवर हो गया है। इंडियाज इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज सेक्टर आर अंडरगोइंग मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इंडिया का जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेजी से डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देर इज अ लार्ज एफर्ट टू प्रिपेयर इंडिया फॉर फ्यूचर, वी आर इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटी इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सच एज 5G एंड 6G। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग नेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग लीडिंग नेशन है। इसके ऊपर हमने एक न्यूज़ कवर की थी लगभग 4 या 5 दिन हो गए, जिसमें हमारी रैंकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड में वी आर ऑन 9th रैंक, राइट गाइस। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, वो क्या कहती है, रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग दैम एज स्पेक्यूलेटिव एसेट्स। तो एक बार इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं, इसका एक बार जिस्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ को डिटेल में देखेंगे।
विद क्रिप्टो करेंसीज सच एज बिटकॉइन गेनिंग पॉपुलरिटी अमंग सिटीजन्स। जी हाँ, इंडिया के बहुत सारे लोग लाइक क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बिटकॉइन तो सभी जानते हैं कि फेमस क्रिप्टो करेंसी है। द सेंटर हैज बीन कंपेल्ड टू टेक अ स्टांस ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ दीज प्राइवेट करेंसीज। तो बेसिकली अब इन प्राइवेट करेंसीज के ऊपर जो सेंटर है वो एक लीगली एक स्टेप लेने जा रहा है कि इनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। जनरली पहले गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम इनको बैन कर देंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। द सेंटर माइट नॉट बी सो कीन ऑन बैनिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आउट राइट बट मे वॉन्ट टू कैपिटलाइज ऑन द रिसेंट सर्च इन द यूजेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू टैक्स दैम एंड शोर अप इट्स रेवेन्यू। तो बेसिकली सेंटर का पहले जो लाइक सेंटर सोच रहा था, सेंटर गवर्नमेंट सोच रही थी कि इनको बैन कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों का रुझान क्रिप्टो करेंसीज की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि लाइक इससे तो रेवेन्यू कमाया जा सकता है, क्यों ना इसको रेगुलेट कर लिया जाए, इससे रिलेटेड लॉ बना लिए जाए, क्योंकि लोग तो कर रहे हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी, वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको रेगुलेट कर लेते हैं कि लाइक जनता ने इसको अडॉप्ट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, क्यों ना इससे रेवेन्यू भी कमा लिया जाए, थोड़ा सा नाइस स्टेप। However, the RBI has stuck to its guns and continues to characterize private cryptocurrencies as a threat to the financial stability. हाँ, RBI का थोड़ा सा ये है कि RBI का जो attitude है towards cryptocurrency, वो कह रहे हैं कि इंडिया की financial stability को एक threat हो सकता है अगर इसको proper तरीके से regulate नहीं कर रहे हैं, आप regulate नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, the union government is said to be considering proposal to tax cryptocurrencies transaction in the country. तो cryptocurrency पर जो transaction होती है उनको अब टैक्सेबल ट्रांजेक्शन बनाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट भी अपना रेवेन्यू जनरेट करे। द मूव वुड ब्रिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग विच हैज टिल डेट हैपेंड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द लॉ इन टू द फॉर्मल इकोनॉमी। अब इनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी में, अभी तक ये नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट में डिसाइड टू रेगुलेट रेदर देन इम्पोज एन आउटराइट बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसीज। अब बैन लगाने के बजाय वो इनको रेगुलेट करने का सोच रहे हैं। सो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रपोजल, तो इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। विद क्रिप्टो करेंसीज सच एज बिटकॉइन गेनिंग पॉपुलरिटी अमंग सिटीजन्स द गवर्नमेंट हैज बीन कंपेल्ड टू टेक स्टैंड्स ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ दीज प्राइवेट करेंसीज। अब देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि जनता का शासन है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए, अब क्रिप्टो करेंसीज को इंडियन ने लाइक वेलकम किया, वो इंटरेस्टेड हैं, वो उसमें बिजनेस कर रहे हैं, उसको ट्रेड कर रहे हैं, लाइक बाई करते हैं, सेल करते हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को ये लगा कि लाइक इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वाइडली एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस, तो इसको बैन करने में थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम होगा, तो क्यों ना इसको रेगुलेट कर लिया जाए, क्योंकि उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद टू टेक अ स्टांस ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ दिस प्राइवेट करेंसीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2018 हैड बैंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स फ्रॉम फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी। तो 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाइक उन पर बैन लगा दिया था। किस चीज़ से बैन लगाया था? फ्रॉम फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन्स को आप नहीं करेंगे जिसमें क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व होगी। द आर बी आई ऑर्डर वॉज ओवर टर्न बाई द सुप्रीम कोर्ट, अगेन द ठग लाइफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, मैं इसको ठग लाइफ ही कहता हूँ कि गवर्नमेंट जब भी कुछ ऐसा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट। जब भी ऐसा कुछ करती है सरकार या गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडरी या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर है हमारे अधिकारों को बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल कर दिया था, इस बैन को। द आरबीआई ऑर्डर वॉज ओवरटर्न बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर एंड दिस लेड टू द ट्रिमेंडस सर्ज इन क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजेक्शन थ्रू एक्सचेंज। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न किया, इसको कि नहीं नहीं ये तुम्हारा जो रूल है दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ द पब्लिक, तो जब पब्लिक ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी पब्लिक के फेवर में है, टेंड टू लाइक फेवरिंग क्रिप्टो करेंसी, तो एक सर्ज देखने को मिला, एक बढ़त देखने को मिली क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन में। दिस वीक अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेड दैट, और इसी हफ्ते पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिकमेंड किया है द गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज बी रेगुलेटेड रेदर देन बैन, कि क्रिप्टो करेंसीज को अब आप रेगुलेट कर लीजिए, इसको ले आइए मेन स्ट्रीम में, ले आइए इसको लाइक इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में ले आइए, लोगों को ट्रेड करने दीजिए, कुछ रेगुलेशंस बनाइए इससे रिलेटेड, कुछ लॉज बनाइए, इससे आप भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट कीजिए, और लाइक जो जनता इससे पैसा कमा रही है, इसमें ट्रेड कर रही है, उनको करने दीजिए, आप इसको बैन मत कीजिए। सो इट शुड बी नोटेड दैट आरबीआई एंड अदर सेंट्रल बैंक्स आर ऑल्सो लुकिंग टू कमिंग अप विद डिजिटल वर्जन ऑफ देयर ओन करेंसीज। तो ये भी चल रहा है इन द बैकग्राउंड की आरबीआई के अलावा जितने भी केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं। दिस कुड बी टू डेंट सम ऑफ द अपील दैट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पॉजेस ओवर ट्रेडिशनल
फिएट करेंसीज। तो बेसिकली ये है कि अब आरबीआई और उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो भी अपनी क्रिप्टो करेंसीज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक गवर्नमेंट की अप्रोच है उसमें एक चेंज हुआ है कि अब वो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पीपल ने तो पहले ही इसको एक्सेप्ट कर लिया भारत के लोगों ने, तो अब गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट कर रही है और उसमें गवर्नमेंट अपने लाइक रेवेन्यू को बढ़ाने का उसमें एक गवर्नमेंट को स्कोप दिखाई दे रहा है। तो शायद आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हमें इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन देखने को मिले, कोई रूल्स गाइडलाइंस देखने को मिले। चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। उसके बाद इंडिया नीड्स $10 trillion टू मीट नेट जीरो। तो नेट जीरो पे हम लोग बात कर चुके हैं कि 2070 तक इंडिया ने कहा है कि अपन लोग अचीव करेंगे अपना नेट जीरो। उसके बाद चाइना और यूएसए ने भी 2050 और 2060 अपना टारगेट दिया है। तो ये चल रहा है, COP26 से ये न्यूज चल रही है, इट इज टू स्केल अप ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। तो नेट जीरो तो आप करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है आपको $10 trillion भी चाहिए। लाइक उसमें हम देखा था कि जो फंडिंग कर रही है डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को जो फंड करना है उनको पर ईयर $100 billion का, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो प्रॉमिस अपना नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बात की गई है इस न्यूज़ में कि नेट जीरो आप बोल तो आए हैं लेकिन उसको लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आपको उसके साथ साथ कुछ लाइक जो ऑप्शनल सोर्सेज है अपने विकल्प भी तो आप लोगों को तलाशने पड़ेंगे कि आप नेट जीरो तो जा रहे हैं किस तरीके से, वो टेक्निक्स भी तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि नेट जीरो कैसे अचीव करेंगे। देखते हैं, टू मीट इट गोल्स फॉर नेट जीरो और बीइंग एबल टू इफेक्टिवली एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 2070 इंडिया विल नीड क्लोज टू $10 trillion, कितने हो गए ये 700 lakh crore, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च फर्म CEEW सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस। इसने एक स्टडी की है, रिसर्च की है, बताया कि इंडिया को लगभग 2070 तक नेट जीरो अचीव करने के लिए $10 trillion की जरूरत पड़ेगी, लगभग $700 lakh crore की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ दिस मनी अराउंड $8.4 trillion वुड बी नीडेड टू स्केल अप जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द नेसेसरी इंटीग्रेशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड कैन बी यूज फॉर मैनी थिंग्स। और रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकते हैं और वो उसके बहुत सारे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम हीटिंग टू पावरिंग बैटरीज एज वेल एज फ्यूलिंग व्हीकल्स। तो ये लाइक बैटरीज में भी काम आएगी और व्हीकल्स के फ्यूल के तौर पर भी, एक विकल्प के तौर पर भी हम इस ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ देख रहे हैं कि काश ये हमारी जो फ्यूलिंग जो रिक्वायरमेंट है लाइक पेट्रोल और डीजल को छोड़कर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाएं, ऐसी टेक्निक्स डेवलप करें, क्योंकि वो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है नेट जीरो को अचीव करने के लिए, राइट। सो ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल में से, क्योंकि COP26 में हम लाइक नेट जीरो क्या होता है, इंडिया कैसे अचीव करेगा 2030 तक, लाइक वो कम करने वाला है और उसको लाइक रिन्यूएबल सोर्सेज पर हमें शिफ्ट करना है, तो ये किस तरीके से होगा फेज डाउन और लाइक कोल को फेज आउट किस तरीके से करना है, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। अब समथिंग न्यू कूल इज ग्रीन हाइड्रोजन, की ग्रीन हाइड्रोजन का क्या वो करने जा रहे हैं, तो इस न्यूज़ पर भी हम आने वाले समय में नजर रखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि ये $10 trillion को किस तरीके से एक ब्रेकअप दिया गया है, कितना किस में यूज होने वाला है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो बात करती है किस बारे में, नो कंसेंसस ऑन लिमिटिंग स्पीकर्स पावर। तो ये एक ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC जो चल रही थी शिमला में, तो उसमें लाइक वो किसी भी एक हल पर नहीं पहुंचे कि स्पीकर की पावर कितनी होनी चाहिए रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉज। बेसिकली इसको देख लेते हैं, इस न्यूज़ को, दल बदल कानून की बात चल रही है। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस एंडेड हियर ऑन थर्सडे विद द डेलीगेट्स फेलिंग टू रीच अ कंसेंसस ऑन वेदर द स्पीकर्स पावर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी लिमिटेड वाइल रिट्रेटिंग एन अर्लियर रिजोल्यूशन दैट देयर शुड बी No disruptions during question hour and the president and the governor address to the house. तो basically वो उस चीज़ को लेकर किसी भी अभी एक हल तक नहीं पहुँचे हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ और द रोल ऑफ द स्पीकर क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। बेसिकली ये न्यूज़ इसी बारे में बात करती है कि इनका कोई कंसेंसस एडेडम नहीं हुआ है, मीटिंग ऑफ सेम सेंस ऑन सेम थिंग नहीं ये लोग अचीव कर पाए हैं अभी इसके ऊपर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज क्लियर that the question of disqualification or otherwise under the 10th schedule is to be decided by the speaker. कि speaker decide करेगा कि anti-defection को लेकर कि जो question है disqualification जो member को लेकर। The court have only the power of judicial review and any a prior intervention is ruled out. तो basically यहाँ पर यह कहे कि ठीक है judicial that is वो जो power है disqualification of member of parliament or member of legislative assembly on the grounds of
defection basically. So that is subject to the judicial review. It is an established precedent that the speaker as the head of the legislature and being a constitutional authority is not amenable to the jurisdiction of the courts. तो बेसिकली ये एक एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट है कि लाइक जो स्पीकर होता है, हेड ऑफ द लेजिस्लेचर होता है, वो वहाँ पर बैठता है, पूरे सदन को वो चलाता है, पूरे हाउस को चलाता है, मेंबर से कम्युनिकेट करता है, मतलब कमांडिंग पावर एक तरीके की सदन में स्पीकर के पास होती है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, संवैधानिक उनके पास ये शक्ति है तो एंड दैट इज नॉट अमीनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. और उसके लिए ही इज नॉट अमीनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, मतलब वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो फॉल नहीं करता है. हाउएवर दिस अप्लाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बिजनेस वेयर द स्पीकर इज सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी. हाउएवर इन एरियाज वेयर इन द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन एज क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी अंडर द 10th शेड्यूल, इट वुड डेफिनेटली इनवाइट जुडिशियल रिव्यू एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर कैन नॉट क्लेम एनी स्पेशल प्रिविलेज. तो यहाँ पर एक कंपेरिजन किया गया है, एक डिफरेंस बताया गया है कि जब स्पीकर ऑफ द हाउस पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में जब वो काम करते हैं तब उस वक्त ही इज नॉट अमीनेबल टू जुडिशियल रिव्यू. तो बेसिकली उनके उन एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. लेकिन 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 जब भी स्पीकर ऑफ द हाउस इज वर्किंग एज अ क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी, क्वाजाई का मतलब हाफ होता है, लाइक हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया एज अ क्वाजाई फेडरल कंट्री, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं हम, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में. तो जब भी स्पीकर ऑफ द हाउस क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी की कैपेसिटी में काम कर रहा होगा तब वो डेफिनेटली ही विल कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू, इनवाइट द जुडिशियल रिव्यू एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर कैन नॉट क्लेम एनी स्पेशल प्रिविलेजेस. तो अभी इस पर लेकर सहमति नहीं बनी है कि स्पीकर की पावर को अगर आपको लिमिट करना है या किस तरीके से, यानी कि ये न्यूज आने वाले समय में भी हमें और भी इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा. उसके बाद आगे चलते हैं, अगली न्यूज क्या कहती है, रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स पीएम. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटिंग द फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑन थर्सडे सेड इंडिया मस्ट थिंक अबाउट रैंपिंग अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन. मतलब डोमेस्टिक लेवल पर अब एक तेजी लेकर आनी चाहिए, हम वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके रॉ मटेरियल से लेकर. कहने का मतलब है पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जो पीएम नरेंद्र मोदी का एक आइडिया है आत्मनिर्भर भारत, कि अब हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी अब हम लोगों को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए फ्रॉम द स्क्रैच टू द फाइनल प्रोडक्ट. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट ये है फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि पहली ऐसी ग्लोबल इनोवेशन समिट है. क्या कहती है, क्या पता आपके करंट अफेयर्स में या जीके में आपको कहीं ये मिल जाए. तो फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर विल बी अ टू डे अफेयर्स, दो दिन का है ये समिट, विद 12 सेशन, 12 सेशन होने जाने हैं, over and over 40 national and the international speaker deliberating on the range of the subject, including कौन कौन से subject है इसमें, basically regulatory environment, funding for innovation, innovation के लिए fund करना, industry academy collaboration, industry का और academics का collaboration, यानी कि ये direct बात करता है research and development की, and the innovation infrastructure और innovation infrastructure, ये topics हैं इस फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट के, जो पहली इनोवेशन समिट चल रही है, 12 सेशन होंगे, 40 नेशनल एंड द इंटरनेशनल स्पीकर्स होंगे. टॉपिक क्या होगा कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, इनोवेशन के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, कौन कितनी फंडिंग करने वाला है, इंडस्ट्री का और अकेडमिक कोलाबोरेशन क्या होगा, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल क्या बनाने वाले हैं आप लोग, और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा. द फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट इज अ डिस्टिंक्टिव इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का, टू ब्रिंग टुगेदर की इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, जो मेन इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पर मेन प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट से, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम अकेडमिक सेक्टर्स, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए इस चीज़ के लिए, एंड रिसर्चर्स जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, टू डिस्कस, कि ये सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और डिस्कस करें, स्ट्रेटजाइज प्रायोरिटीज टू फॉस्टर, और ऐसी योजनाओं के ऊपर बात करें जो योजना क्या करेंगी, टू फॉस्टर अ थ्राइविंग इनोवेशन इकोसिस्टम इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसको तेजी से आगे लेकर बढ़ेंगी, इनोवेशंस की तरफ जाएंगे, नई नई चीज़ों को हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं. तो ये सारे के सारे जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री हो, अकेडमिक्स हो, इन्वेस्टर्स हो या रिसर्चर्स हो, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है. वो काम किसने किया है, पहली ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ द फार्मा सेक्टर.
तो चलिए, बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं। लाइक हमने देखा जनजातीय दिवस जो मनाया गया बिरसा मुंडा के बर्थडे पर, जिसको हम ट्राइबल डे भी कहेंगे। उसके बाद वो अगले दिन ऑडिट दिवस बनाया गया लाइक CAG वाला। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए कलेक्ट होती जा रही है, इनको मार्क करते जाइए, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इस बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में मिलने वाली है। उसके बाद चलते हैं भारत के पुराने मित्र रशिया के पास। रशिया टेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। रशिया ने एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है। अभी भी रशिया और यूएसए के बीच में थोड़ा टेंशन चल रहा था। उन्होंने अपने एक बहुत पुराने लाइक इसी से रिलेटेड है एक उपग्रह को मार गिराया, मतलब एक सैटेलाइट को, जिससे लाइक डेब्रिस स्पेस में बहुत ज़्यादा वो क्रिएट हो गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के यात्रियों को उससे खतरा था, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो रशिया सेड ऑन थर्सडे इट हैड कैरीड आउट अनदर सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इट्स जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू द कंट्रीज आर्सेनल ऑफ द वेपन्स। मतलब अब जो लाइक रशिया का जो लाइक वेपनरी है बेसिकली, जो उनमें एक नया एडिशन हुआ है जिसको हम जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं, कॉल्ड इनविजिबल बाय द प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने इसको इनविजिबल कहा है। हाइपरसोनिक्स कैन ट्रेवल मोर देन 5 times ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो यानी कि साउंड की स्पीड से मोर देन 5 times स्पीड से ये ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, एंड मैन्यूवर इन मिड फ्लाइट, मेकिंग दैम मच हार्डर टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट दैन ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल्स। तो बेसिकली ये अब एक नया एडवांस वर्जन आ गया है हाइपरसोनिक मिसाइल में, जिसका नाम जिरकॉन है, और स्पीड लाइक साउंड की भी स्पीड से 5 गुना तेजी से ये ट्रैवल करती हैं, जिसको आप लाइक जो आपके एग्जिस्टिंग वो है इंटरसेप्ट करने वाले लाइक प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनसे आप इतनी जल्दी इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये बात करेगी आपको BWF गिव्स पादुकोण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बैडमिंटन लीजेंड प्रकाश पादुकोण दोबारा खबरों में है। अभी 3 दिन पहले आपको भी पता होगा कि एक इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था शटर्स फ्लिक, उसको भी एक बार देख लीजिए। अब इनको प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, वो कौन देगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इनको BWF के नाम से जिसको हम जानते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने जा रही है। तो बेसिकली मार्क कर लीजिएगा इसको, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द लीगलिटी बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द टेनवर्स ऑफ CBI एंड ED डायरेक्टर्स। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस जो संडे गया है उसमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी ने 2 ordinances प्रोमोगेट किए थे, जिसमें CBI और ED डायरेक्टर्स का जो टेनवर है वो 2 years से बढ़ा दिया गया है। बेसिकली कितना बढ़ा दिया गया है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा अब 3 साल का, लेकिन एक साल एक बार में केवल एक ही साल का एक्सटेंशन होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं CBI और ED के जो डायरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम 5 years तक उनका टेनवर हो सकता है, वो सर्व कर सकते हैं। तो इसको लेकर लाइक अपोजिशन ने बड़ा हल्ला मचाया था कि इसकी लाइक हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम चैलेंज करेंगे। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में ये एक आर्टिकल आया है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लाइक मार्क कर ली हैं। तो देख लेते हैं, द पिटिशनर जिन्होंने पिटिशन लगाई है वो एलिज दैट द 2 ordinances आर आर्बिट्ररी, ये आर्बिट्ररी ऑर्डिनेंसेज हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। उन्होंने ये आरोप लगाया है इन ऑर्डिनेंस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए, और अपने स्टैंड को थोड़ा सा फर्म करते हुए रेफरेंस दे रहे हैं किस जजमेंट का, एपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट इन विनीत नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के जजमेंट का वो रेफरेंस दे रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CBI और ED चीफ शुड हैव अ मिनिमम टेनवर ऑफ 2 years, इनका लाइक मिनिमम टेनवर 2 साल का होना चाहिए। दीज ऑर्डिनेंसेज एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड पीसमील एक्सटेंशन, की इनको एक्सटेंशन दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, देर आर नो क्राइटेरिया प्रोवाइडेड सेव फॉर अ वेग रेफरेंस टू पब्लिक इंटरेस्ट एज इन इफेक्ट। तो बेसिकली ये भी कहा गया था ये एक्सटेंशन अगर आपको देना चाहिए दैट शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलता। बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट दिस हैज द डायरेक्ट एंड द क्लियर इम्पैक्ट ऑफ द इरोडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द इन्वेस्टिंग बॉडीज इन क्वेश्चन। तो ये भी कहा गया है कि लाइक आप इस तरीके से एक्सटेंशन दे रहे हैं, आपके हाथों में जब चीज़ें रहेंगी तो जो इंडिपेंडेंस है इन बॉडीज की, कि ये स्वतंत्र रूप से CBI किसी भी केस में निष्पक्ष जांच करे, ED भी अपने काम को निष्पक्ष तरीके से करे, बिना बायस के करे, बिना पार्शियलिटी के करे, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप हेम्पर कर रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस को, जब आपके हाथ में उनका एक्सटेंशन होने जा रहा है। मिनिमम 2 साल का था, उसको वैसा ही रहने दीजिए। जनरली क्या होता है, इसको लेकर बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स भी ये कह रहे थे कि जब CBI और
ऑलरेडी चीफ्स को पता है कि उनका एक्सटेंशन बढ़ सकता है 3 साल के लिए, 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, तो जो अथॉरिटीज उनके ऊपर हैं जो उनको एक्सटेंशन देंगी, दे कैन लाइक कि हम आपका एक्सटेंशन बढ़ा देंगे अगर आप हमारे लिए ये कर सकते हैं, कि अगर आप हमारे लिए ये नहीं करेंगे वी विल नॉट गिव यू एनी एक्सटेंशन। तो इस तरीके से जो इंडिपेंडेंस और प्योरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है दैट कैन बी हैम्पर्ड बाय द सुपीरियर अथॉरिटीज, इसको एक रीजन बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर पहुंचे हैं। एक बार इसका जिस देख लेते हैं। फॉर अलाउिंग एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर द प्रेसिडेंट हैज प्रोमुलेटेड एन ऑर्डिनेंसेस फॉर नेसेसरी अमेंडमेंट टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसमें हुआ था एज फॉर द ईडी डायरेक्टर द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्न अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 हैज बीन ब्रॉट इन द इंसर्ट सिमिलर प्रोविजंस, उसमें भी ये प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं। दीज अमेंडमेंट फैसिलिट ए 5-year टेनवर फॉर द हेड ऑफ दीज टू एजेंसीज, 5 साल का लाइक जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया 1+1+1 विद एक्सटेंशन बीइंग गोइंग गिवन वंस अ ईयर, 1 साल में एक बार। द पिटिशनर वू हैव चैलेंज दिस ऑर्डिनेंसेज क्लेम नो क्राइटेरिया हैज बीन प्रोवाइडेड सेव फॉर वेग रेफरेंस टू द पब्लिक इंटरेस्ट विच इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द रेस्पॉन्ड, और ना ही कोई क्राइटेरिया दिया गया है कि आप ये एक्सटेंशन क्यों लाना चाहते हैं, क्या पब्लिक इंटरेस्ट है। तो बहुत सारी चीजें इसको लेकर अभी लाइक पेंडिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। द पॉक्सो एक्ट डजंट ब्रोक डाइल्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, एक बार इसका जिस्ट पढ़ते हैं उसके बाद इस न्यूज के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम आखिर में देखेंगे कि ये पॉक्सो एक्ट क्या है। चलिए पहले पॉक्सो एक्ट देख लेते हैं। इनएक्टमेंट डेट है इसकी जून 19, 2012, राइट। एक्ट ईयर 2012 शॉर्ट टाइटल द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, लॉन्ग टाइटल क्या है इसका, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड द पोर्नोग्राफी एंड प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल, बच्चों को किससे बचाएगा, सेक्सुअल असोल्ट से बचाएगा, सेक्सुअल हरेसमेंट से बचाएगा, पोर्नोग्राफी से बचाएगा, स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज, और ऐसे अपराध लाइक पॉक्सो में जो कृत्य अपराध के तौर पर लाइक लिखे गए हैं कि बच्चों के साथ अगर सेक्सुअल असोल्ट और सेक्सुअल हरेसमेंट होगा वो स्पेशल कोर्ट में उनका ट्रायल होगा, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब उनसे रिलेटेड किसी भी मैटर का जो ट्रायल होगा उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे पॉक्सो एक्ट के अंडर। मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनफोर्समेंट डेट थी इसकी नवंबर 14, 2012। तो चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में, पहले इसका जिस्ट पढ़ेंगे फिर इसके अंदर पढ़ेंगे, देखिए क्या चीज है। द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज, पॉक्सो एक्ट वाज इनएक्टेड इन 2012, हमने देख लिया, स्पेशली टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज लेस देन 18, तो मतलब हमारे यहाँ पर मेजर तो वही होता है ना इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से, जो 18 साल का या इससे ऊपर का हो, राइट। मेजोरिटी भी हमारे यहाँ पर दो वाली है, 21 साल में भी जिनके लीगल गार्जियन अपॉइंटेड होते हैं वो 21 साल में मेजर होते हैं, जनरली बच्चा 18 साल में मेजर होता है, राइट। तो उसके बाद ए जजमेंट बाय द बॉम्बे हाईकोर्ट इन द सतीश रगड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन विच द एक्यूज वॉज एक्विटेड अंडर द पॉक्सो एक्ट कम अंडर अ मैसिव क्रिटिसिज्म, तो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें एक जज थी, उन्होंने कहा था एक केस में कि पॉक्सो में अगर आप किसी को लाइक एग्जीक्यूट, मतलब पॉक्सो में किसी को ट्राई करना चाहते हो, ट्रायल करवाना चाहते हो, या पॉक्सो में किसी को पुलिस ने बुक किया है, तो वहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा देर वॉज स्किन टू स्किन टच, राइट। इसमें ऐसा कुछ था इस केस में कि लाइक कोई व्यक्ति था उसने किसी बच्चे के साथ मतलब कपड़ों के ऊपर से उसको कुछ इस तरीके से हाथ वगैरह लगाया था, तो जज ने कहा गया कि स्किन टू स्किन टच है ही नहीं, तो उसको लेकर एक जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ था, तो उसकी बहुत आलोचना की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले की। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द पॉक्सो एंड द आईपीसी, अब ये आर्टिकल एक डिफरेंस की भी बात करता है, कंपेरिजन करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज में और इंडियन पिनल कोड में क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे। इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असोल्ट इटसेल्फ, सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन इसमें दोनों में डिफरेंस है। इन द आईपीसी इट इज जेनरिक, आईपीसी में जेनरिक है, इन जनरल है, और पॉक्सो में ये जो डेफिनेशन है सेक्सुअल असोल्ट की एक्सप्लिसिटली मेंशन सच एज टचिंग वेरियस पार्ट ऑफ डूइंग, इसमें बिल्कुल लाइक एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है कि टचिंग वेरियस private parts of doing any other act which involve physical contact without the penetration, तो ये सारी चीजें बात की गई हैं। तो इस आर्टिकल को देखते हैं। On November 18 the Supreme Court quashed a Bombay High Court decision to acquit a man, Supreme Court ने इस decision को like quash कर दिया था जिसमें Bombay High Court ने एक आदमी को acquit कर दिया था जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया था विद असॉल्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो सोलली ऑन द ग्राउंड दैट ही ग्रोप्ड द चाइल्ड ओवर हर क्लोथ्स
एंड देयर वॉज नो स्किन टू स्किन कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कपड़े के ऊपर से उसने बच्चे को गलत तरीके से उन्होंने हाथ लगाया था और पकड़ा था, और स्किन टू स्किन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जिसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस पर काफी नाराज दिखा, जनता इस पर काफी नाराज दिखी, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को खत्म कर दिया और उस व्यक्ति को दोषी ठहराया, राइट, कॉलिंग द बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर आउटरेजियस। और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को कहा आउटरेजियस। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द सेक्सुअल इंटेंट एंड नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स असोल्ट। देखो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली जो लोग बच्चे लॉ स्टूडेंट हैं या क्लैट वगैरह में जाना चाहते हैं, क्लैट यूजी क्लैट पीजी देना चाह रहे हैं, जुडिशरी में जाना चाह रहे हैं, अगर आप इस आर्टिकल को देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सारा का सारा फोकस किया है वो किया है किस पर, इंटेंट के ऊपर किया है, लाइक इंटेंट, ठीक है गाइस। जैसा कि आईपीसी कहती है कि आईपीसी में इंटेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव इन आईपीसी, मोटिव कैन बी पॉजिटिव बट इंटेंशन इज ऑलवेज नेगेटिव इन इंडियन पिनल कोड, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्किन टू स्किन टच मायने नहीं रखता, यहाँ पर सेक्सुअल इंटेंट मायने रखती है। इन द पीस, इन दिस पीस डेट February 10, 2021, आर के विज हैड आर्ग्यूड दैट द पॉक्सो मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन अंडर सेक्सुअल असॉल्ट, और उन्होंने कहा कि पॉक्सो को लाइक आप इंटरप्रेट कीजिए ताकि बच्चों को हम एडिशनल प्रोटेक्शन अंडर पॉक्सो एक्ट और भी प्रोवाइड करवा सकें। तो उसके बाद द UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड रेटिफाइड बाई इंडिया इन 1992, रेटिफिकेशन का मतलब है यहाँ से अप्रूवल, यानी कि इंडिया भी अप्रूव, इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी किसमें, UN की कन्वेंशन, और UN कन्वेंशन किससे रिलेटेड, राइट टू चाइल्ड, इसमें इंडिया पार्टी था क्योंकि इंडिया ने इसको अप्रूव किया था 1992 में, इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। ऑल्सो रिक्वायर्स सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एंड द सेक्सुअल अब्यूज टू बी एड्रेस एज अ हीनियस क्राइम, और उसमें कहा गया था इस कन्वेंशन में कि सेक्सुअल अब्यूज को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, हीनियस क्राइम की कैटेगरी में रखेंगे। इट वॉज देयर फॉर फेल्ट दैट द ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन बी डिफाइंड एक्सप्लिसिटली एंड ऑल्सो काउंटर्ड थ्रू कमेंसुरेट पेनल्टीज एज एन इफेक्टिव डिटरेंस, तो बहुत इसमें हैवी पेनल्टीज होनी चाहिए, हैवी पनिशमेंट होना चाहिए ताकि आप डिटर कर सकें इस तरीके के एक्ट को। उसके बाद द बेंच एक्विटेड अ मैन फाउंड गिल्टी, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, एक्विटेड अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ असॉल्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट ही ग्रोप्ड हिज विक्टिम ओवर हर क्लोथ्स, तो ओवर हर क्लोथ्स मतलब कोई बच्ची थी उसको उसके कपड़ों के ऊपर से उस व्यक्ति ने पकड़ा था जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दिया था कि स्किन टू स्किन टच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर काफी नाराज दिखाई दिया, उन्होंने उस व्यक्ति को गिल्टी फाउंड किया कि स्किन टू स्किन टच मायने नहीं रखता जो इसमें लिखा हुआ है ओवर हर क्लोथ्स, एंड देर वॉज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम एज द जजमेंट वाइज लाइकली टू सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट द एपेक्स कोर्ट स्टेड द एक्विटल, और एपेक्स कोर्ट ने उस व्यक्ति के एक्विटल को स्टे कर दिया, बोला भैया हम नहीं छोड़ने वाले तुम लोगों को। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट इंटर अलाया सेज दैट व्होएवर विद सेक्सुअल इंटेंट टचेस द ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इज सेट टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, और क्योंकि सेक्शन 7 में लिखा हुआ है पॉक्सो एक्ट के व्होएवर विद सेक्सुअल इंटेंट, देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि जनरली आप कहीं जा रहे हैं किसी के साथ जा रहे हैं, बच्चा है या कोई बड़ा भी है, गलती से आप गिर गए, भीड़ है, धक्का मुक्की है, यहाँ पर आपको इंटेंशन को समझना पड़ेगा, आप किसी को टच कर देते हैं जिस तरीके से आपको नहीं करना चाहिएगा, आप देखते हैं बसों में ट्रेन में मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, वहां पर आपकी इंटेंशन नहीं होती क्योंकि वो गलती से होता है, लेकिन यहाँ पर पॉक्सो स्पेसिफिकली बात कर रहा है आपने किसी को टच किया और ये प्रूव हो जाए कि वो जो टच था दैट इज फ्रॉम द सेक्सुअल इंटेंट, तो आप उसके लिए आपको प्रोसिक्यूट कर लिया जाएगा उसमें। तो बेसिकली वेयर एज सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड मिनिमम इंप्रिजनमेंट फॉर 3 years फॉर सेक्सुअल असोल्ट, खैर इसको छोड़िए इंप्रिजनमेंट के बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे, तो आईपीसी एंड पॉक्सो, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भैया टच की बात हो रही है तो यहाँ पर वो जो पॉक्सो है वो सेक्सुअल इंटेंट की भी बात करता है, तो आप केवल इसी बात पर नहीं कह सकते कि वो कपड़े के ऊपर से था, स्किन टू स्किन टच नहीं था, क्योंकि सेक्सुअल इंटेंट तो बन गई ना जब उसने टच किया। उसके बाद आईपीसी एंड पॉक्सो डिफरेंसेस, आईपीसी और पॉक्सो में क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन पॉक्सो एंड आईपीसी एज फार एज द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट में मतलब सेक्सुअल असॉल्ट को हमने इसमें फोकस किया है, और पॉक्सो और आईपीसी में क्या डिफरेंस है, इज कनेक्टेड इज टू फोल्ड, वन द डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी गिवन इन द आईपीसी इज जेनरिक, मतलब लाइक जो डेफिनेशन है असॉल्ट की और क्रिमिनल फोर्स की टू वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेस्टी जो आईपीसी में दी गई है दैट इज अ जेनरिक, लेकिन जब हम पॉक्सो पे आते हैं द एक्ट ऑफ सेक्सुअल असोल्ट आर एक्सप्लिसिटली मेंशन, तो सेक्सुअल असोल्ट से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उनको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है पॉक्सो में, जैसे कि टचिंग वेरियस प्राइवेट पार्ट्स और डूइंग एनी अदर एक्ट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसा करना
जो इसमें फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है वो विदाउट पेनिट्रेशन, सेक्सुअल असोल्ट इन पोक्सो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड, जो पोक्सो है उसमें सेक्सुअल असोल्ट में आपने एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब वो इंक्लूड नहीं किया, किस चीज को नहीं किया, रेप विच रिक्वायर्स पेनिट्रेशन, क्योंकि रेप रिक्वायर्स पेनिट्रेशन। सो उसके बाद अदरवाइज द स्कोप ऑफ सेक्सुअल असोल्ट अंडर पोक्सो एंड आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन अंडर आईपीसी इज सेम, अगर ये सारी चीजें उसमें एक्सक्लूड की गई है तो लगभग वो सेम ही है। टू, सेकेंड पॉइंट, वेयर एज द आईपीसी प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ऑफ द विक्टिम, आईपीसी में लाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ऑफ द विक्टिम की एज क्या है, 4 है 5 है 10 है 20 है 50 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉक्सो में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कौन है 18 साल से नीचे, हायर पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर पॉक्सो नॉट बिकॉज मोर सीरियस एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असोल्ट आर रिक्वायर्ड बट बिकॉज द लेजिस्लेचर वॉन्टेड पनिशमेंट टू बी मोर डेटरेंट। अब ये कहा गया है कि पॉक्सो में आपने हायर पनिशमेंट रखे हैं, बहुत ही लाइक सीवियर पनिशमेंट रखे हैं, इसलिए नहीं कि ये एक सीरियस एलिगेशन नहीं, क्योंकि लेजिस्लेचर ये चाहता है कि ये जो पनिशमेंट हम ज़्यादा दे रहे हैं टू डेटरेंट, क्यों डेटरेंट करने के लिए, इस लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए, ताकि वो इस तरफ ना जाएं, इस तरह के कृत्य ना करें, मैं कहूँगा कि इसको कुकृत्य ना करें इस तरह के, ताकि लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है वो डिफीट ना हो। बेसिकली रिक्वायर्ड बट बिकॉज द लेजिस्लेचर वॉन्टेड पनिशमेंट टू बी मोर डेटरेंट इफ द विक्टिम आर चिल्ड्रन, therefore once the act of the outraging modesty with the use of assault or criminal force which is nothing but sexual assault is proved the requisite punishment must be slapped under poxo if the victim is child, aur agar is tarike ki cheeze prove ho jati hain aur victim bachcha hai to poxo mein hum like aapko punish karenge। iske baad in vishakha versus state of rajasthan very very important and landmark judgment the supreme court held that offense relating to the modesty of woman cannot be treated as trivial। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में महिला लाइक कोई भी ऑफेंस है दैट इज रिलेटेड टू द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, महिला की मोडेस्टी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है आप उसको ट्रिवियल नहीं समझ सकते, उसको कोई छोटा मोटा अपराध नहीं मान सकते, अपने आप में बड़ा अपराध है। इन पप्पू सिंह राजपूत वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2015 द हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दो इट एक्विटेड द एक्यूज अंडर सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी एज द ऑफेंस वॉज फाउंड लैकिंग इन यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट कन्विक्टेड हिम फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट अंडर एक्ट अंडर सेक्शन 354 ए, तो लाइक उन्होंने उसको एक्विट कर दिया था सेक्शन 354 में फॉर द लाइक क्योंकि उसमें क्रिमिनल फोर्स इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको 354 में लाइक उसको प्रोसिक्यूट किया फॉर लाइक सेक्सुअल हरेसमेंट विच रिक्वायर्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस द नेसेसिटी एलिमेंट। तो बेसिकली एक पॉक्सो से रिलेटेड ये जो अभी हम लोग कर रहे थे ये पॉक्सो और आईपीसी का एक डिफरेंस था, पॉक्सो क्यों लाया गया लाइक इस पूरे के पूरे आर्टिकल के पीछे बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था स्किन टू स्किन टच को लेकर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन दी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी दैट इज द सेक्सुअल इंटेंट, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि लाइक कपड़े के ऊपर से टच है या नहीं है, किसी भी तरीके से टच है अगर सेक्सुअल इंटेंट है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जो बात करती है ये हम लोगों ने कर लिया, सो इट्स अ थैंक यू स्लाइड। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, आप लोग इसको देख रहे हैं, आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, कमेंट कीजिए अगर कुछ मिस हो रहा है, आप चाहते हैं कुछ और आप की इस चीज़ को इस तरीके से किया जा सकता है तो मैं उसको करने की कोशिश करूँगा, आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर द लॉजिकल स्टडीज, इंस्टा पर द लॉजिकल स्टडीज, जीमेल पर रहेगा द लॉजिकल स्टडीज @gmail.com, वेबसाइट www.thelogicalstudies.com। सो गाइज दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे, सी यू टुमारो विद अ न्यू एनालिसिस ऑफ द हिंदू, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।